गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. सो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इन टुडे सेशन वी विल लर्न ओनली अबाउट रोडवेज. ओके, सो चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास दैट द अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, दे यूज टू ट्रैवल ऑन फुट बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी व्हीकल्स, है ना. लेटर ऑन दे यूज एनिमल्स फॉर कैरिंग गोड्स, है ना. सो द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हेल्प देम टू बिल्ड कार्स एंड मॉडर्न व्हीकल्स. ओके, सो नाउ टेल मी आंसर्स ऑफ यू क्वेश्चन. Now name the vehicles you would use if you were going to. Suppose you are going to your friend's house which is living in your colony. Which vehicle you will use? Now select from the list. Okay children, you can use bicycle or you can use in the other colony, then you can use taxi also, you can use car, hai na? And suppose you want to travel to another country, then which vehicle you will use? Yes, obviously you will use ship, aeroplane or ship. And suppose you want to travel to your hometown, घर जाना चाहते हैं तो कौन सा vehicle use करेंगे hometown जाने के लिए? अगर आपका बहुत far away place है तो आप वो भी यूज़ कर सकती है, ट्रेन्स भी यूज़ कर सकती हैं, टैक्सी भी नाउ पीपल आर यूजिंग, कार यू कैन यूज़ एंड बस यू कैन यूज, बट यू कैन नॉट यूज दिस एरोप्लेन, है ना. ओके चिल्ड्रेन, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी विल लर्न फ्यू कीवर्ड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चिल्ड्रेन, सो आर फर्स्ट कीवर्ड इज नेशनल हाईवेज. क्या होती है नेशनल हाईवेज? वो होते हैं दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज, टाउन्स एंड पोर्ट्स. मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करती हैं, सिटीज़ को, स्टेट को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं, टाउन से सिटी कनेक्ट करते हैं या पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, एयरपोर्ट वगैरह से. ठीक है, है ना. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज क्या होती हैं? हाईवेज बिल्ट इन स्टेट्स. जो आपका जैसे कि यहाँ से आप फतेहगढ़ से इफ यू आर गोइंग टू लखनऊ, देन आपको वहाँ पे मिलता है गंगा यमुना एक्सप्रेस मिलता है, तो दैट इज स्टेट हाईवेज. नेक्स्ट इज मेट्रो. मेट्रो इज नॉट रनिंग इन स्मॉल स्टेट्स, इट इज रनिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, है ना. सो रेल सिस्टम्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन अ सिटी. जब एक एक शहर के अंदर ही कोई ट्रेन चलती है, रेल चलती है, तो वो कहलाती है मेट्रो. इन विच द ट्रेन्स मूव अंडरग्राउंड और ऑन एलिवेटेड ट्रैक, या फिर तो उसके अंडरग्राउंड टनल्स बने होते हैं उसमें चलती है, या फिर एलिवेटेड ट्रेन्स ट्रैक्स होती हैं वहाँ पर चलती है. समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे तो बीच में तो व्हीकल्स चलेंगे रोडवेज वाले. एपिडेमिक क्या होता है? डिजीजेस विच स्प्रेड क्विकली अमंग पीपल, लाइक नाउ इट इज यू आर सीइंग या सीइंग कोविड-19, इट्स अ पैंडेमिक नाउ. तो एपिडेमिक क्या होता है? डिजीजेस विच स्प्रेड्स क्विकली अमंग पीपल, जो लोगों में बहुत जल्दी से फैलती हैं. नेक्स्ट इज कार्गो प्लेन्स, मीन्स प्लेन्स दैट कैरी पेरिशेबल गोड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा टू फार ऑफ प्लेसेस. ठीक है, वो प्लेन्स होते हैं, मतलब जो गुड्स को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं कार्गो प्लेन्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अ चैप्टर. नाउ चिल्ड्रेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ड, व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, है ना. सो चिल्ड्रेन, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच आर स्कूल. व्हाई?
बिकॉज अगर आपके पास ये सब ट्रांसपोर्ट टैक्सी कार नहीं होंगे देन हाउ वुड यू कम टू स्कूल. ओके, टू मीट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने जाना है तो भी आपको मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है. टू गो मार्केट टू बाय थिंग्स, इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिग सिटी देन यू नीड अ व्हीकल टू गो टू मार्केट एंड परचेज योर थिंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू गो बैंक, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन. टू गो फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियाँ आती हैं तो आप दूसरे स्टेट्स में या दूसरे कहीं दूर घूमने जाती हैं, इसके लिए भी यू नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है देन यू नीड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. चिल्ड्रन, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स सच ए स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स एंड दे हैव मेड मूवमेंट फास्ट एंड कम्फर्टेबल. ओके, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हुए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट वी यूज टू ट्रेवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब वह व्हीकल जो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए यूज़ करती हैं दैट इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब वो व्हीकल जो यूज़ करते हैं दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो अर्ली ह्यूमंस यूज टू ट्रैवल ऑन फुट बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी व्हीकल एंड लेटर ऑन दे यूज एनिमल्स फॉर कैरिंग देयर गोड्स. सो इनको ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल किसका था, सो चिल्ड्रन दैट वाज द व्हील. ओके, द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प देम टू बिल्ड व्हीकल्स. सो टुडे द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द स्टीम इंजन्स वर इन्वेंटेड बाई, पहले जब ट्रेन्स नहीं थी, ट्रेन्स थी लेकिन क्या था, पेट्रोल डीजल नहीं था, तो हमारी जो ट्रेन्स थी उसके इंजन जो चलते थे वो स्टीम से चलते थे, भाप से चलते थे, कोयला उनमें डाला जाता था, है ना, और उससे पानी वो बॉयल होता था और पानी से जो स्टीम बनती थी उससे हमारे स्टीम से जो व्हील्स होते थे उनको प्रेशर एग्जर्ट किया जाता था और जिससे वो ट्रेन्स आगे बढ़ती थी. ठीक है, एंड हु डिस्कवर्ड इन्वेंटेड दिस स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रोडवेज. ओके, सो चिल्ड्रेन रोडवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, दे आर नीडेड टू कैरी पीपल एंड गुड्स ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस. दे अलाउ गुड्स टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब इससे हम पीपल तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं लेकिन इसको हम गुड्स को भी, सामान को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प लेते हैं. इनका रोल क्या होता है, दे कनेक्ट स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड पोर्ट्स. एंड चिल्ड्रेन रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज दे कैरी फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर आइटम्स ऑफ डेली यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देखते हो आप कि आप लोग जितने भी आपके दूसरे स्टेट से या दूसरे शहरों से फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, और नाउ आपने अभी देखा था पैंडेमिक के टाइम में कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही आए और जिसमें कि रोडवेज ने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाय ट्रक आ रहे थे तो वो रोड पर चल रहे थे, है ना. सो द रोड्स कनेक्टिंग द मेन सिटीज एंड पोर्ट्स, जो रोड्स होती हैं जो कि मेन सिटीज़ को पोर्ट से कनेक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज. ओके, तो व्हाट आर नेशनल हाईवेज,
the roads which connect the main cities and ports. Okay, and these roads are constructed and looked after by the National Highway Authority of India. Means in short, it is called NHAI, National Highway Authority of India. Okay, India has among the largest network of the roads in the world. है ना, largest network है. States also have highways. States में भी highways होते हैं and they are built and maintained by the state government. है ना, जो national highways होते हैं वो national authority, highway authority उसको maintain करती है, और जो state highways होती हैं they are built and maintained by state governments. Okay, besides these children, we also have other roads connecting villages, towns and cities. छोटी छोटी roads भी होती हैं ना. So roads can be of two type. एक तो होती हैं metalled. Okay, और second type की होती हैं unmetalled. ओके, सो मेटल रोड कैसी होती है? दे आर मेड ऑफ स्टोन्स, सीमेंट एंड टार. दे आर ऑल्सो नोन एज पक्का रोड. मेटल रोड होती है उनको पक्का रोड कहते हैं. दीज रोड्स आर जनरली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स. एंड अनमेटल रोड्स होती हैं दीज रोड्स आर नोन एज कच्चा रोड. और ये किसकी बनी होती है? मड की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती हैं. एंड सच टाइप ऑफ रोड्स आर ऑफन फाउंड इन विलेज. ओके चिल्ड्रेन, सो वन ऑफ द हाइएस्ट रोड इन द वर्ल्ड इज इन आर कंट्री. है ना, हाइएस्ट रोड जो है ना वो हमारे कंट्री की है. एंड इट रन्स फ्रॉम मनाली टू हिमाचल प्रदेश टू लेह इन लद्दाख. कहाँ से चलती है? मनाली ही जो हिमाचल प्रदेश में है. और कहाँ तक जाती है? लद्दाख तक. कहाँ तक जाती है? हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख. ओके, सो नाउ चिल्ड्रेन, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रोडवेज. सो दीज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. दे कनेक्ट स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड पोर्ट्स. Roads are very important for us as we carry food, grains, fruits, vegetables and many other items of daily use to different parts of our country. The roads connecting the main cities and ports are called national highways. These roads are constructed and looked after by National Highway Authority of India, NHAI. Okay, in short it is called. States also have highways and they are built and maintained by state government. We also have other roads connecting villages, towns and cities. Okay, roads can be of two type. Metalled means pakka road, unmetalled means kachi road. And children, full form of GT road is Grand Trunk Road. Hai na? Children, it is a national highway and one of the oldest roads in India. सबसे पुरानी रोड जो है ना यहाँ की GT रोड है और ये नेशनल हाईवे है. ओके चिल्ड्रेन, सो चिल्ड्रेन नाउ ट्राई टू मैच दिस रोड. क्या है? आप हियर आई हैव गिवन यू फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यू हैव टू मैच विद दैम. तो रोड पे क्या चलता है? कार्स. ओके, वाटर, शिप, एयर, एरोप्लेन एंड रेलवेज में आएगा ट्रेन्स. ओके चिल्ड्रेन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज. हैव ए नाइस डे.